मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वार्षिक बजट 2021-22 में विधायक प्राथमिकताओं को लेकर शिमला में बैठक का आयोजन। चंबा, सिरमौर, ऊना, मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों के विधायक बैठक में हुए शामिल। कोरोना के कारण पिछले लगभग 11 महीनों से बंद पड़े प्रदेश के कॉलेज आज से फिर खुले। कोविड 19 नियमों का किया जा रहा पालन। पहले दिन प्रैक्टिकल सहित चुनिंदा कक्षाओं के विद्यार्थियों को ही कॉलेजों में बुलाया गया। राज्य में अब तक 56,500 के करीब कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 450 के आसपास। ऊना में हुई भाजयुमो की जिला स्तरीय बैठक, वन बूथ 20 यूथ अभियान की हुई समीक्षा। पंचायत चुनावों में जीत दर्ज करने वाले युवा कार्यकर्ता भी किए सम्मानित। प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी कर्मियों की नियुक्ति व नियमितीकरण के मुद्दे पर शिमला स्थित निदेशक कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। नशा तस्करों के खिलाफ मंडी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 15 किलो चरस की बरामद। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ, भारी बर्फबारी के बाद अभी भी प्रदेश में लगभग 200 संपर्क मार्ग, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और 2 स्टेट हाईवे बंद।